आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ सेल्स ग्रुप इन एक्सेल। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमें पढ़ना है आज सेल ग्रुप के बारे में, और ये आपको मिलेगा होम टैब के अंदर। ये सेल ग्रुप है हमारा, तो काफ़ी छोटा सा पार्ट है ये। इसके लिए सबसे पहले आप एक टेबल बना लीजिए जिसके ऊपर आपको ये अप्लाई करके देखना है। तो मैंने एक टेबल बना ली है, इसका नाम मैंने रिज़ल्ट रखा है। और ये रिज़ल्ट जो है यहाँ पे सीरियल नंबर, ये नेम, और ये कुछ सब्जेक्ट है मेरे पास में, इनको मैंने कलर कर लिया है। तो आप भी कलर वगैरह करके आप अपने टेबल को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लास टीचर, एग्जामिनेशन इंचार्ज और ये प्रिंसिपल, ये तीन मैंने ऑप्शन लिए यहाँ पर। तो रिज़ल्ट में इन तीनों के साइन होंगे, उसके बाद ये रिज़ल्ट आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें मैंने कोई फार्मूला या फिर कोई अलग से कोई काम नहीं किया, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फार्मूले की इस ग्रुप में। सिंपली जस्ट डिलीट करने के लिए और इंसर्ट करने के लिए होता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट का। जैसे आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, और ये जो इंसर्ट होता है ये हमेशा इसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगा। जहाँ पर भी आप, जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट, इससे पहले इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, उस सेल के ऊपर आप क्लिक कीजिए, उस कॉलम के ऊपर क्लिक कीजिए जहाँ पर आप, जिससे पहले आप कोई कॉलम चाहते हो। जैसे मुझे हिंदी से पहले एक कॉलम चाहिए यहाँ पर ब्लैंक, तो यहाँ पर ऊपर से उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए या क्लिक कर दीजिए। तो मैंने ऐसे ही क्लिक कर दिया यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो क्या हुआ, उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। ऐसे हम टेबल में भी कर सकते हैं। तो जिस टेबल से पहले चाहिए तो वहाँ पर जा कर के आपको जस्ट क्लिक करना है इंसर्ट पर, और उससे पहले क्या होगा, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ 4 से पहले एक रो हमारी इंसर्ट हो जाए, तो हम सिंपली इंसर्ट पर जाकर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट में और भी ऑप्शन है, अगर आप इंसर्ट के ये नीचे की साइड में ये एक एरो है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे जो सेम प्रॉपर काम करते हैं। जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ गए, इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट सेल, तो यहाँ पर एक पॉपअप बॉक्स ओपन होके आता है और ये पूछता है आपसे कि शिफ्ट सेल राइट, अगर आपको जो सेल आप इंसर्ट करोगे तो बाकी के कॉलम कहाँ शिफ्ट होने चाहिए ये बताता है इसके बारे में। तो ये मैं यहाँ पर फर्स्ट इस सेकंड वाला ऑप्शन करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बाकी के जो सेल हैं वो नीचे शिफ्ट हो गए हैं। ये देखिए 62 नीचे आ गया है। ऐसे ही मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और ये सेकंड वाला ऑप्शन, और ये ओके, ये देखिए ये भी क्या हुआ, इंसर्ट हो चुका है, लेकिन क्या हुआ, बाकी के सेल नीचे नीचे चले गए हैं। तो ऐसे ही हम और भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ इंसर्ट में जाकर यहाँ पे इंसर्ट सेल, इसके बाद एंटायर रो और ओके, तो क्या हुआ, एक रो इंसर्ट हो गई और बाकी के जो सेल है वो नीचे शिफ्ट हो गए हैं। तो ये आप अपने आप से भी अप्लाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट शीट रो। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो एक रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे एक और ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर इंसर्ट कॉलम, कॉलम देखिए इंसर्ट हो जाएगा एक कॉलम, जिस भी सेल पर, जो भी आपका एक्टिव सेल होगा उसी से पहले क्या होगा, एक कॉलम हमारा इंसर्ट हो जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन है इंसर्ट शीट, इसके लिए आप ये देखिए, ये शीट 1 है, शीट 2 है, ये शीट 3 है। तो ये हमारी एक्टिव शीट है, जिस पर भी हम काम कर रहे होते हैं वो हमारी एक्टिव शीट होती है उस टाइम पर। जैसे मैं शीट 2 पर चला जाता हूँ तो अभी के टाइम पर ये एक्टिव शीट है, और यहाँ पर देखिए उसका जो कलर है
वो वाइट हो गया है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी शीट थर्ड हमारी एक्टिव शीट हो गई। और जब भी हम कोई भी एक्सेल की फाइल लेते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे पास में तीन शीट मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं यहाँ पर ये हमारी एक्टिव शीट है, यहाँ पर इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर इंसर्ट शीट, तो ये देखिए हमारे पास में चार शीट हो गई है, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री और जो हमारी चौथी शीट है वो शीट फाइव के नाम से आई है। इसको डिलीट भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके आप यहाँ से सिंपली डिलीट कर दीजिए तो ये डिलीट हो जाएगी। तो ये था हमारा इंसर्ट। इसके बाद डिलीट को देखते हैं। तो जैसे मुझे ये कॉलम डिलीट करना है, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर डिलीट, तो वो क्या होगा, वो कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। जैसे मुझे ये डिलीट करना है तो यहाँ जाऊँगा डिलीट सेल, तो वो डिलीट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हम जा करके डिलीट शीट कॉलम, तो डिलीट शीट कॉलम यहाँ से ऐसे क्लिक करके कर सकते हैं। कोई भी कॉलम अगर हम डिलीट करना चाहते हैं सिंपली डिलीट पर डायरेक्टली ऊपर कर सकते हैं, या फिर हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शन जो हमारे पास में है। अगर रो डिलीट करनी है तो हम रो को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट में जाएंगे और डिलीट शीट रो, तो ऐसे यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर डिलीट शीट, तो ये देखिए हमारी एक्टिव शीट है। मैं इस वाली शीट टू को डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे डिलीट शीट, तो ये देखिए हमारी शीट डिलीट हो गई है। शीट थर्ड भी हम डिलीट कर लेते हैं, सिंपली ये जाएंगे और डिलीट शीट, तो ये देखिए अब हमारे पास में एक ही शीट बची है। इसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट सेल पर। तो फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शन हमें हमारे पास है, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ गए और शीट रो हाइट, तो रो हाइट में हम यहाँ पर सेल के हाइट बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी 30 कर दिया और ओके किया, तो ये देखिए यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। अब मैं आपको इससे ज़्यादा करके दिखाता हूँ। फॉर्मेट में जाएंगे, रो हाइट यहाँ पर हम 50 कर लेते हैं और ओके। देखिए इस रो का क्या हुआ, इसका सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ऐसी और भी ऑप्शन है, ऑटो ऑटो फिट रो हाइट, तो ये भी कर सकते हैं। तो एक्चुअल में बिल्कुल जो फिट है वो हो जाएगा, उसका जो साइज़ है हमारे फॉन्ट का उसके अकॉर्डिंग इसका ये सेल फिट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉलम विड्थ भी है। कॉलम विड्थ में हम देखिए जनरली तो हम यहाँ से डबल क्लिक करके ऊपर इसको फिट कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी भी क्या कर सकते हैं, साइज़ वगैरह सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर विड्थ इसकी क्लिक किया हमने विड्थ में और यहाँ पर हम इसको 50 कर लेते हैं और ओके। देखिए 50 ये हो गया है। इसी तरीके से ये हमारा ऑटो फिट कॉलम है, तो क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पे ऑटो फिट कर दीजिए, ये देखिए फिट हो गया है। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पर, ऑटो फिट कॉलम विड्थ हमने देख लिया है, डिफ़ॉल्ट विड्थ कर देते हैं, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ इसका 8.43 है, ओके कर देते हैं, तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट हो गई है। इसके बाद ये है हाइड और अनहाइड, तो जिस भी कॉलम को आपको हाइड करना है तो वहाँ जा करके आप इसको हाइड अनहाइड पर क्लिक करेंगे, हाइड रो और हाइड कॉलम। तो ये देखिए ऊपर देखेंगे ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम और डी यहाँ से हाइड हो चुका है और यहाँ से ई आ गया है। अगर आपको ये अनहाइड करना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों कॉलम को जिनके बीच में वो कॉलम है हमारा, और यहाँ पर हाइड और अनहाइड में जाएंगे और इसको यहाँ पर अनहाइड कॉलम करेंगे, तो ये देखिए हमारा कॉलम अनहाइड हो गया है। तो ऐसे हम कर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें और भी ऑप्शन है जैसे प्रोटेक्ट शीट और मूव और कॉपी शीट और टैब कलर। ये तो सिंपल ही होता है कि आप इसको टैब को कलर कर सकते हैं, जैसे ये है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ टैब कलर। यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से मूव कॉपी देख लेते हैं पहले। मूव कॉपी क्लिक कीजिए और यहाँ पर मूव टू एंड, और यहाँ से बुक मूव टू एंड और ओके कर
क्रिएट कॉपी करेंगे और ओके, यानी इसी की कॉपी क्या बन गई और इसकी कॉपी बन गई है इसी शीट की और लास्ट में चली गई है। इसी तरीके से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इसकी भी एक और कॉपी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मूव और कॉपी शीट पे जाएंगे और ये देखिए शीट वन है, ठीक है, एक बुकलेट हमारी, बुक हमारी तैयार हो रही है। और कहाँ करनी है हमें, लास्ट में करनी है। अगर आप लास्ट में नहीं करना चाहते, शीट वन में ही करना चाहते तो इसी पर क्लिक रखेंगे, और अगर कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो कॉपी पर क्रिएट करेंगे, यानी इसी की कॉपी शीट वन में चली जाएगी। लेकिन हम एंड में चाहते हैं तो इसको हम ओके करेंगे। ये देखिए एक और शीट हमारी तैयार हो गई है, तो ये हम कर सकते हैं। और हम टैब कलर भी सेट कर सकते हैं। ये हमने टैब कलर यहाँ से सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे दोबारा से जाएंगे, टैब कलर हम अब चेंज कर देते हैं, अब हम ग्रीन कर देते हैं टैब कलर। तो ये देखिए नीचे के अगर हम देखेंगे तो ये जिस भी शीट पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए टैब कलर इसका ग्रीन हो गया है। और इसको भी हम ग्रीन सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से टैब कलर हम ग्रीन कर सकते हैं या ऑरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग है। ये देखिए इसका अब क्या हो गया, इसका ग्रीन है, इसका ऑरेंज हो गया, इसका येलो है। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं फॉर्मेट सेल में। और ये रीनेम शीट में हम रीनेम पर क्लिक करेंगे जैसे हम, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसका नाम लिख सकते हैं, जैसे शीट हम इसको या फाइल फाइल वन कर देते हैं इसको ऐसे, इसको फाइल टू कर सकते हैं। ऑप्शन में जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में जाने के बाद रीनेम शीट और यहाँ पर फाइल टू कर देंगे इसको। तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट लॉक सेल और फॉर्मेट सेल, इन दो का यूज़ मैं आपको बताऊंगा बाद में अगली हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और फॉर्मेट सेल आप देख सकते हैं, फॉर्मेट सेल पर जैसे आप क्लिक करते हो तो हमारे पास में कुछ ऑप्शन हमारे पास आते हैं, जैसे मुझे इनका चेंज करना है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट सेल में, और यहाँ से हम जो भी ऑप्शन यहाँ पर लेना चाहते हैं जैसे डेट में करना चाहते हैं या टेक्स्ट में करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी हम इसको ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नंबर कर देता हूँ और डेसिमल प्लेस हम 2 कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब इसमें देखिए ये डेसिमल प्लेस आ चुका है और इसमें 0.2 तक है। तो ये हमारा आज सेल ग्रुप था, इसको आप अप्लाई करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या डायरेक्टली मेरे पास कॉल करके पूछिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही, तो मैं कोशिश करूँगा कि उससे भी अच्छी, आपको इससे भी अच्छी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छी मैं वीडियो बहुत सिंपल मेथड में आपको बना कर